नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है नेचुरोपैथी और मैं हूँ मौलिका शर्मा। आज फिर से हम हाजिर हुए हैं आपके समक्ष एक नई बीमारी के साथ और उस बीमारी से हम किस प्रकार निजात पा सकते हैं, किस प्रकार प्रकृति से जुड़कर हम अपने जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं, उसे सुचारू रूप से चला सकते हैं, ऐसे तमाम प्रश्नों की जानकारी आज फिर से हम लेंगे डॉक्टर गोविंदाचार्य जी से। तो चलिए शुभारंभ करते हैं कार्यक्रम का, बात करेंगे डॉक्टर साहब से। नमस्कार। तो आज बात करते हैं उस प्रमुख समस्या की। देखिए, जड़ और चेतन के अंदर ये माना जाए तो संसार में प्रत्येक व्यक्ति कर्म करता है अपना पेट भरने के लिए, और भोजन के बिना ना आपको एनर्जी मिलने वाली है और ना ही आपको आनंद मिलने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब ये आनंद और एनर्जी देने वाला सोर्स यानी आपका पेट वही ख़राब हो जाए, यानी वही दिक्कत करने लग जाए, तो आपका जीवन नीरस लगने लगता है। देखिए कि जितनी ज़रूरी नींद है, जितना ज़रूरी विहार है और जितना ज़रूरी कर्म है, उतना ही ज़रूरी आपका आहार और आपका पेट का पाचन है। शास्त्रों में कहा गया है कि भय, निंद्रा, आहार और मैथुन, ये ऐसे कर्म हैं जो सभी, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पशु पक्षी हो, सभी ये कर्म करते हैं। लेकिन उसमें मुख्यतः है कि अगर देखा गया है, आहार अगर विशुद्ध हो और आहार के पाचन न होने से अगर उसमें टॉक्सिसिटी बढ़ जाए यानी विषाक्तता आ जाए, तो सबसे बड़ी समस्या होती है कि बहुत सारी बीमारियाँ पनप सकती हैं। आप किसी बड़े से बड़े डॉक्टर के पास चले जाइए, अगर आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, मोटापा है, कोलेस्ट्रॉल है या और कोई दिक्कत है जैसे एसिडिटी है या गैस्ट्रिक है, तो सबसे पहले आपको कहा जाएगा कि भोजन पर ध्यान दीजिए। एक्चुअली ये भोजन पर ध्यान देने वाली बात नहीं, ये पाचन पर ध्यान देने वाली बात है। क्योंकि जब तक पाचन ठीक नहीं होता, आप किसी भी प्रकार का चाहे भोजन कर ले, वो आपको डाइजेस्ट ही नहीं होगा। तो सबसे बड़ी जो पेट की समस्या आती है वो होती है एसिडिटी, गैस, इनडाइजेशन, अल्सर और पित्त का विकार और वायु का विकार। तो ये ऐसे विकार है कि जो आपके पेट में होने भर से बहुत सारी बीमारियों को जन्म दे सकते हैं। पहले के समय में कहा गया है कि किसी को खुश करने का रास्ता उसके पेट से होके जाता है, लेकिन खुश तो वो तभी होगा जब उसका पेट सही तरीके से काम करेगा। तो इसी के लिए हम आज जो ये सेशन लेने वाले हैं वो आपके उदर उपचार और उदर विकृति के बारे में। उदर का मतलब होता है पेट। तो देखिए कि जब बच्चा जन्म लेता है, जब वो पहले दुग्धपान करता है, धीरे धीरे दूध पीता है, तो उसके पेट में विकास होने लगता है, जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स, रसायन ऐसे होते हैं जो तरह तरह के फूड आइटम को तोड़ते हैं, तरह तरह के फूड पार्टिकल्स को तोड़ते हैं और अपनी एनर्जी को बनाते हैं। लेकिन जब इसके अंदर एंजाइम्स में, प्रोबायोटिक में या इसके डाइजेशन में विकृति आती है, तो आपका एलिमिनेशन, एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन, ये तीनों खराब हो जाते हैं। तो देखिए, पेट का या आपकी इंटेस्टाइन का मुख्य काम क्या है? इनका सबसे पहला काम है इस फूड को डाइजेस्ट करना, दूसरा काम है उसको, जो आपने खाया उसको एब्जॉर्व करना, एब्जॉर्प्शन, और तीसरा काम है जो खा के वेस्ट निकाला उसे एलिमिनेट करना। और तीनों में से एक भी चीज़ अगर ऊपर नीचे है तो आप ये मान के चलिए कि आपको अपने पेट की समस्या हमेशा बनी रहेगी। तो हम इसे कैसे कर सकते हैं? पहले सबसे पहले कि साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं कि आपको पेट की दिक्कत है, यानी आपके पेट के अंदर उदर में विकृति है। सबसे पहले आपका पेट हमेशा आपको भरा भरा लगेगा, दूसरा ब्लोटिंग फील होगी, तीसरा आपको डकारे आएगी, चौथा आपके मोशन इरेगुलर हो जाएंगे, कभी आएंगे, कभी गैप लेंगे, कभी ज़्यादा भी हो सकते हैं, चौथा खाने के बाद खट्टी डकारे आएगी, पांचवा किसी भी चीज़ को खाने के बाद में आपको वॉमिटिंग या उल्टी की फीलिंग होगी। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो समझिए कि क्लासिकल पेट का विकार है। अब कुछ लोग कहते हैं कि भूख न लगना तो लीवर से संबंधित हो सकता है, पैंक्रियाटिक चेंजेस आने पर भी आपके पेट के अंदर दिक्कत आ सकती है, गॉल ब्लैडर में स्टोन होने पर भी पेट पर दिक्कत आ सकती है, तो आपका समझना सही है। लेकिन देखिए कि हर अगर ऑर्गन अगर अपने सिम्टम्स देता है तो उनके कुछ क्लासिकल सिम्टम्स भी अलग तरह के होते हैं, उन सिम्टम्स को ध्यान में रखकर ही डॉक्टर आपका चिकित्सा कर सकता है। जैसे अगर मेरे पास कोई पेशेंट आया है तो हम विकार को पहले पहचानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये पेट का विकार है, क्या ये वात का विकार है, या ये वायु का विकार है, या ये इंटेस्टाइन का विकार है, या इसके एसोसिएटेड ऑर्गन का ही विकार है, जिसको GI सिस्टम कहा गया है। GI सिस्टम में सभी तरह के ऑर्गन, सभी तरह के रसायन, सभी तरह के इंटेस्टाइनल आपके जो ऑर्गन से वो आते हैं। तो इस तरह से अगर आपको सिम्टम्स आते हैं तो आपको मान लेना चाहिए कि आपको अपने पेट की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आप क्या इन्वेस्टिगेशन करके इसका पता कर सकते हो? इसका सिंपल सा तरीका है कि पहला इन्वेस्टिगेशन है कि आप अगर हो सके तो अपने सिर्फ ब्लड टेस्ट के अंदर TLC, CBC
और ईएसिनोफिल्स को देखा जाए। दूसरा है यूरिन का टेस्ट हो, तीसरा है स्टूल का टेस्ट हो, और चौथा है कि आपके पेट की अल्ट्रासाउंड हो। देखे कहीं पॉलिप तो नहीं बना, कई बार पेट के अंदर कोई ग्रोथ हो जाती है, जैसे पॉलिप का बनना या गांठों का बनना या अल्सर का बनना, तो देखना पड़ता है कि कहीं कोई पॉलिप तो नहीं बना, कुछ गांठें तो नहीं बनी, किसी तरह के ई कोला या इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं हुए। इन सबको रूल आउट करने के लिए तरह तरह के टेस्ट होते हैं। एक बार टेस्ट से कन्फर्म हो जाए कि नहीं आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है और आपको सिर्फ वात विकार या वायु का विकार है, तो आपको उसके ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए। अब आप कहेंगे कि अगर आप उसको ट्रीट नहीं करते तो कॉम्प्लिकेशंस क्या आएंगे? देखिए, बहुत सिंपल सा कॉम्प्लिकेशंस है कि अगर आप इसे ट्रीट नहीं करते तो आप माल न्यूट्रिटिव हो सकते हो, यानी आपके अंदर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी आ सकती है। बालों का झड़ना, त्वचा का रूखा होना, हड्डियों की कमजोरी होना, मसल का वीकनेस होना, पसीने ज़्यादा आना, ये सब समस्या आपके पाचन शक्ति के तरफ ही देखती है कि पाचन शक्ति आपकी वीक है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि एलिमिनेशन अगर अच्छे से नहीं होगा तो आपके बॉडी में टॉक्सिसिटी रह जाएगी। जैसे कि अगर आपका मल का निदान नहीं होता प्रॉपरली तो आपके बॉडी में यूरिया, यूरिक एसिड और बहुत तरह के ऐसे कंटेंट जो बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स पैदा करते वो रह जाएंगे, तो आपको इसका भी ध्यान देना पड़ेगा। ये सब बढ़ने से, बहुत लंबे समय तक बढ़े रहने के कारण से आपकी बॉडी के अंदर ऑर्गन पे बहुत सारी समस्या आ सकती है और आगे जाके ऑर्गन आपके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को धीमे कर सकते हैं। तो जैसे कहा गया है कि इस तरह के कॉम्प्लिकेशन जब बॉडी में अराइज हो जाते हैं तो याद रखिएगा कि इससे आपके पेट की समस्या बढ़ सकती है। तो इसका सिंपल सा तरीका है कि इसको कैसे निदान किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहला है कि पेट के अंदर एक बहुत बड़ी इंटेस्टाइन होती है जिसका अपने आप में एक लेंथ होता है, इसके अपने एक मूवमेंट होते हैं जिसको पैरासिटिक मूवमेंट कहा जाता है। तो आपको पेट की दिक्कतों को ठीक करने के लिए आपको इसके ऊपर सिकाई करनी चाहिए, जैसे कि हॉट एंड कोल्ड की सिकाई। हॉट टॉवल आपको 2 मिनट के लिए, कोल्ड टॉवल आपको 1 मिनट के लिए, बदल बदल के 15 मिनट के लिए रखना है। इस तरह अगर आप करते हो तो आप बहुत सारी बीमारियों को बिना दवाई से ही ठीक कर सकते हो, जैसे पेट की एसिडिटी है या गैस की फॉर्मेशंस है। तो ये सिंपल और सेफेस्ट तरीका है। दूसरा तरीका है कि आपने पुराने ज़माने में सुना होगा कि रात का ठंडा यानी रात का बासी पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, तो ये बात बहुत तरीके से सही है। आपको रात की एक रोटी बनानी है जिसमें चुटकी अजवाइन और चुटकी हींग और चुटकी जीरा डाल के उसको रोटी को रात को बना के रख दीजिए। सुबह उठते ही उसे आपको ब्रेकफास्ट में खानी है, या हो सके तो आप उसको उठते ही आप चटनी के साथ खा लीजिए। ये सबसे बेस्ट रेमेडी है बिना किसी मेडिकेशन से आपके पेट को ठीक रखने की और पाचन शक्ति को बढ़ाने की, क्योंकि ठंडी रोटी होती है वो अपने आप में प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक लिए होती है। तीसरा तरीका है कि खाने के बाद में आपको या खाने के पहले तुरंत पानी नहीं पीना है। याद रखिएगा, पानी और भोजन का वैर है, वो इसलिए है क्योंकि भोजन जब भूख लगती है तो पेट में अग्नि जली हुई होती है, उस अग्नि को न बुझाना चाहिए ताकि आपकी जो BMR रेट है या आपकी जो जठराग्नि है वो मेंटेन रहे। तो इसीलिए भोजन के बीच में, भोजन के पहले या भोजन के तुरंत बाद आपको पानी पीने से बचना चाहिए या उसको अवॉइड करना चाहिए। तीसरी जो चीज़ है वो सिंपल तरीका है कि आपको ऐसे क्या प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक लेनी चाहिए जिससे कि आपके पेट के अंदर कभी समस्या नहीं। आपने B12 का नाम सुना होगा, विटामिन B12 बहुत एसेंशियल विटामिन है जो नसों को ठीक करता है, लेकिन ये पेट को भी तंदुरुस्त रखता है। बहुत सारे जो अर्बन लोग हैं उसमें B12 की कमी आ जाती है। इसके लिए सिंपलेस्ट तरीका है कि सुबह 7-8 बजे थोड़े चावल बना लीजिए पके हुए और उसको दही में भिगो के रख लीजिए। रखने के बाद उनको 12 या 1 बजे 6 घंटे के गैप के बाद आपको खाने, ये मैं गारंटी के साथ कहूँगा। अगर आपका B12 कम है एक बार चेक कराइए, 1 महीना या 15 दिन इसको फॉलो कीजिए और अपना B12 चेक कराइए, वो बढ़ जाएगा, क्योंकि फर्मेंटेड राइस आपके B12 को मेंटेन रखते हैं प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक के कारण। दूसरा तरीका है, ट्राई कीजिए वीक में 2-3 फर्मेंटेड फूड खाओ। देखिए, आप हमेशा रोटी सब्जी दाल चावल तो खाते हो, लेकिन कभी जैसे कि आपने डोसा है या इडली है, खमन ढोकला है, उत्तपम है, ऐसी चीज़ें खाओ जो फर्मेंटेड होकर बनती है। ये आपके गट हेल्थ के लिए, पेट की हेल्थ के लिए बहुत बेस्ट तरीका है। चौथा जो है वो है कि एंटी गैस्ट्रिक कैसे बनाना है। एक पाउडर बना सकते हो आप घर पे, 100 ग्राम आंवला पाउडर, 100 ग्राम भुनी हुई सौंफ और 100 ग्राम धागे वाली मिश्री, तीनों को पीस कर बना दीजिए पाउडर। 1 चम्मच सुबह लेना है, 1 चम्मच शाम को खाना खाने के बाद में। ये बेस्ट रेमेडी है आपके पेट को ठीक करने के लिए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो बहुत सिंपल सा तरीका है कि 1 चम्मच वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये आपको तो वीक में एक दिन करना ही चाहिए, कि 1 चम्मच आपको वर्जिन कोकोनट ऑयल शाम को 1 ग्लास पानी में घोल देना है और उसको 7 बजे पी जाइए। ये आपके आंतों में चिकनाहट आएगा, वो चीज़ें जो आपका पेट साफ करती है, जैसे कि इसबगोल, त्रिफला, ये सब लैक्सेटिव है, जबकि ये जो है ये बिल्कुल अच्छी तरह से आपके इंटेस्टाइन को साफ करेगा, लुब्रिकेंट करेगा और आपके मोशन को
क्लीन करेगा। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है तो सबसे बेस्ट तरीका, सेफेस्ट तरीका है। पांचवा जो चीज़ है वो है कि आपको हर मील के पहले 50 से 100 ग्राम सलाद खाना है, हर मील के पहले, यानी ब्रेकफास्ट से पहले सलाद, लंच से पहले सलाद और डिनर से पहले सलाद। चाहो तो आप सलाद की जो क्वालिटी है वो चेंज कर सकते हो, जैसे सुबह अगर आपने खीरा टमाटर लिया तो दोपहर में आप बीट रूट और चाहो तो कैबेज एंड ऑनियन ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन आप ट्राई कीजिए कि फाइबर की मात्रा को बढ़ा के रखिए, इस तरह से आप अपने कॉन्स्टिपेशन को, डाइजेशन को, गैस को ठीक कर सकते हो। अब आई आपकी एसिडिटी की बात। एसिडिटी का सिंपल सा तरीका है कि आपके पित्त के विकार को नीचे ले जाना, और उसका सबसे बेस्ट है खसखस एंड गुलकंद। एक चम्मच गुलकंद घोल दो और आधा चम्मच खसखस घोल के थोड़ी देर रख दो उसको ठंडे पानी को, और फिर उसको छान कर सिप सिप करके पीना है। ये टेस्ट भी देगा और ये आपके पेट के विकार को ठीक भी करेगा। अगर कभी घर में ऐसा हो जाए कि इमीडिएट आपको गैस बन गई है, बहुत ट्रबल पेन हो रहा है, उल्टी सी फीलिंग हो रही है, तो खाने का सोडा दो चुटकी, लेमन और थोड़ा काला नमक, ये घोल के तुरंत पेशेंट को पिला दो और पेट पे गर्म पट्टी रख दो। इसको करने भर से ही उसके पेट की दिक्कत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो ये बहुत साधारण सी चिकित्सा है, इसको आप अच्छे तरीके से अपने घर पे फॉलो कर सकते हो। इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है और कोई भी मेडिसिन की तरह यूज़ करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको सेफ रहेगा, हेल्दी रहेगा, इसीलिए अपने पेट की पाचन शक्ति को बढ़ाइए और अपनी स्फूर्ति को कायम रखिए। धन्यवाद। आशा है आज का भी कार्यक्रम आपको हमारा पसंद आया होगा। आगे के अंक के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।